कई बार देखा जाता है कि मेकर्स दो बड़े स्टार की फिल्म एक साथ थिएटर के अंदर रिलीज कर देते हैं, और जब ये दोनों बड़े स्टार की फिल्म एक साथ थिएटर के अंदर रिलीज होती है तो उनके कमाई पर अच्छा खासा असर देखने को मिलता है। और कई कई बार ऐसा होता है कि एक बड़े स्टार की फिल्म रिलीज होने पर एक छोटे स्टार की फिल्म पिट जाती है, लेकिन कई बार ऐसा देखने को मिला है कि दोनों की दोनों फिल्में ही थिएटर पर अच्छा खासा कमाई कर लेती है। अगर रिसेंटली एग्जांपल दूँ तो आपको गदर 2 और OMG 2 आपने देखा होगा कि दोनों की दोनों फिल्म अच्छे खासे थिएटर पर कमाई कर पाए थे। और ऐसे कुछ न्यूज़ निकल कर आ रहे हैं कि अब हमें साउथ से और बॉलीवुड के दोबारा से टक्कर देखने को मिलेंगे, जहां बॉलीवुड से सलमान खान की फिल्म आने वाली है जिसका नाम अभी अनाउंसमेंट नहीं हुआ, और वहीं साउथ की रॉकिंग स्टार यश की फिल्म आने वाली है जिसका नाम द टॉक्सिक रखा गया है। टाइगर 3 के बाद सलमान खान की एक नई फिल्म का अनाउंसमेंट हुआ है, और अब हमें सलमान खान वर्सेस यश देखने को मिलेगा, जहां 2023 के अंदर हमने सबसे बड़ा बैटल देखा था जहां पर हमें प्रवास वर्सेस शाहरुख खान देखने को मिला, मतलब कि डंकी वर्सेस सलार मूवी। अब 2025 में और भी बहुत बड़ा क्लैश होने वाला है, 2024 में भी एक बहुत बड़ा क्लैश होगा, पुष्पा 2 और सिंघम अगेन का देखने को मिलेगा। और 2025 में अब साउथ की फिल्में डायरेक्ट बॉलीवुड की फिल्में से टक्कर ले रही है, और जहां पर अब हमें सलमान खान वर्सेस यश देखने को मिलेगा। तो आइए बात करते हैं आखिर कब हमें सलमान खान की और रॉकिंग स्टार यश की फिल्म का क्लैश देखने को मिलेगा, और इनमें से कौन फिल्म जीतने वाली है। वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए, और साथ ही साथ प्रेस बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि अगर मैं कोई भी वीडियो बनाऊं तो आप तक उसकी नोटिफिकेशन पहुंच जाए और मुझे मोटिवेशन मिलता रहा इस तरह के वीडियो बनाने के। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपको अभी तक तो पता चल गया होगा कि सलमान खान साजिद नाडियावाले के प्रोडक्शन हाउस के अंदर एक फिल्म बनाने वाले हैं। इसके डायरेक्टर AR मुर्गदास होने होंगे, जो बहुत ही बड़े कमाल के डायरेक्टर और साउथ से बिलोंग करते हैं। आपको रॉक स्टार यश की टॉक्सिक ए फेरी टेल फॉर ग्राउंड अप मूवीज के बारे में तो पता होगा, वह फिल्म भी रॉक स्टार यश की मच अवेटेड फिल्म होने वाली है, जहां पर रॉक स्टार यश की KGF चैप्टर 2 मूवी 2022 में रिलीज हुई थी। उसी के डायरेक्टर 3 साल बाद रॉक स्टार यश अपनी कोई फिल्म लेकर आ रहे हैं जिसका नाम होने वाला है टॉक्सिक, जो एक कमाल की फिल्म होने वाली है, जो इन्हीं दोनों के बीच हमें घमासान होते हुए नजर आने वाली है, और दोनों फिल्में की रिलीज डेट एक दूसरे के टक्कर लेने की है। सबसे पहले सलमान खान की अपनी फिल्म की रिलीज डेट के बारे में बात करते हैं। तो सलमान खान और साजिद की अपकमिंग फिल्म ईद 2025 पर रिलीज होने वाली है, और जहां तक एक्सपर्ट का कहना है तो सलमान खान की फिल्म 1 अप्रैल को थिएटर के अंदर रिलीज हो सकती है। और वहीं पर अभी तक यह तो आप पता ही हो गया हो कि रॉक स्टार यश की टॉक्सिक मूवी का रिलीज डेट भी अनाउंसमेंट हो चुका है, और ये फिल्म 10 अप्रैल को थिएटर के अंदर देखने को मिलने वाली है। तो सलमान खान जब 1 अप्रैल को आएंगे और रॉक स्टार 10 दिन बाद 10 अप्रैल को आएंगे, तो केवल सलमान खान के पास 10 दिन ही होंगे अपनी फिल्म को सुपरहिट कराने के लिए, नहीं तो बाद में उन्हें रॉक स्टार यश से टक्कर लेनी होगी। और अगर सलमान खान की फिल्म अच्छी निकल कर आई तो 5 से 6 दिन के अंदर ही वो अपना बजट रिकवर कर लेगी, पर अगर अच्छी नहीं हुई तो सलमान खान की फिल्म को डूबने से कोई नहीं रोक सकता। आप सबसे पहले किस फिल्म को देखने के लिए एक्साइटेड है, सलमान खान या फिर रॉक स्टार यश पे कमेंट में जरूर बताएं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, आगे जैसे भी कुछ अपडेट मिलेगा मैं उस पर वीडियो बनाकर आपको दे दूंगा। अगर आप कोई भी अपडेट मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि आप भी कोई अपडेट मिस न कर सके। जब तक के लिए मुझे दे दे इजाज़त, बाय बाय।